Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. गुड मॉर्निंग रॉक स्टार्स, कैसे हैं आप लोग? और मैं आपका एजुकेटर अभिजीत मिश्रा आपके साथ, और आज हम बात करने वाले हैं फिर से अपने करंट अफेयर शो की. क्या खासियत हमारे शो की है, अगर आप इसे ध्यान से समझें तो आपको हम करंट अफेयर्स तो कराते हैं लेकिन प्रीवियस डेज के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उसे रिवाइज भी कराते हैं. तो हमारे साथ बने रहें, आपका बड़ा सपोर्ट है और आप सबसे मैं बहुत प्यार करता हूँ बिकॉज आपने हमारे शो को काफ़ी यूनिक बनाया है. आपके सजेशंस, आपके रिकमेंडेशंस काफ़ी अच्छे होते हैं और साथ ही साथ हम इसे चेंज कर पाते हैं. चेंजिंग इज द लॉ ऑफ नेचर, और जो भी अपने आपको चेंज नहीं करता वो सर्वाइव नहीं कर पाता है, है ना? तो हम लोग चेंज कर रहे हैं, आपको आप भी चेंज करिए, जो आपका पुराना एटीट्यूड है उसे ख़त्म करिए, है ना? चलिए शुरू करेंगे आज का अपना सेशन, और मोटिवेशनल कोट के साथ करेंगे ताकि एक शुरुआत बढ़िया हो जानी चाहिए. तो कंप्यूटर जी मोटिवेशनल कोट लगाए बच्चों के लिए, देखते हैं. यू कैन डू एनीथिंग, जस्ट गेट अप एंड डू इट. आप कुछ भी कर सकते हैं. कल तक जो भी हमने अपने से एक नहीं एक ऑरा बना लिया था कि हम इसके बाहर निकल नहीं सकते, हम आज एक काम करेंगे, हम आज अपने आप से प्रॉमिस करेंगे कि हम जो करते हैं पढ़ाई में और जो हमारे दिल में आता है कि नहीं हमें ये भी करना चाहिए, हम वो ज़रूर करेंगे. हम इतनी मेहनत करेंगे जिससे पहले हमने आज तक इतनी मेहनत नहीं की थी. हम दुनिया को दिखाएंगे, हम अपने पेरेंट्स को दिखाएंगे, हम अपने आस पड़ोस वालों को दिखाएंगे कि हम मेहनत कर रहे हैं, और हमारी मेहनत की का जो अंत होगा ना वो बहुत अच्छा होगा. हमारा फ्यूचर ब्राइट होने वाला है और ये खुशी हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम मेहनत कर रहे हैं अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए. हमेशा खुश रहिए. गलतियाँ होती हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं, हम इंसान हैं, या गलतियाँ होती हैं, हम भगवान नहीं हैं. गलतियाँ होती हैं, हम सीख रहे हैं, गलती करते हैं, सीखते हैं, आगे ना हो ये हम कोशिश करते हैं और ये हमें कोशिश करनी चाहिए. आइए चलते हैं साथ में और अपना भविष्य उज्ज्वल बनाते हैं बहुत अच्छे से. शुरू करते हैं आज का अपना सेशन, और जो आपके सामने इंडेक्स आएगा वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ. तो हमें क्या क्या पढ़ना है जो वो देख लेते हैं. ठीक, तो हमें पॉलिटी पढ़नी है, नेशनल अफेयर्स पढ़ने हैं, एग्रीमेंट एमओयूज पढ़ने हैं, बिजनेस इकॉनमी, अपॉइंटमेंट, समिट, आर्ट एंड कल्चर, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड आर्ट एंड कल्चर फिर से है. ठीक है, चलिए तो हम इसकी बात करेंगे. चलिए तो सब लोग यहाँ पर हैं. हाँ जी, हाँ बिल्कुल, आई कैन, आई विल एंड आई मस्ट, कभी भूलना नहीं. एंड आई एम वॉट आई एम, हम जो हैं वो हैं. हम सुबह उठ जाते हैं, हम रात में देर सोते हैं, हम पढ़ाई करते हैं. हमारा यही एटीट्यूड है, हमारी यही पर्सनालिटी है, और हम यही करते रहेंगे जब तक अपने लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं करते. वी आर रॉक स्टार्स यार, है ना? चलिए तो पॉलिटी से शुरू करेंगे, और यहाँ पर आपको हम बात करेंगे ट्रिपल तलाक मुद्दे की. देखिए लोकसभा में एक बिल पेश हो गया है, उसकी हम बात करने जा रहे हैं. ठीक है, देखिए ट्रिपल तलाक बिल पास्ड इन लोकसभा. तो ये पास हो गया है, पेश नहीं, पास हो गया है. ठीक, आपको याद होगा कि मतलब पहले भी एक ऑर्डिनेंस आया था लेकिन उसमें कुछ कमियां थी, तो ये काम रुक गया था. लेकिन अभी क्या है कि एनडीए गवर्नमेंट ने उस कमी को दूर किया है. तो ये बात करते हैं क्या क्या पॉइंट हमको समझने हैं, है ना? चलिए तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन. और ये देखिए तो लोकसभा ने पास किया है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज बिल 2018. देखिए आपको ये नाम पूरा याद करना पड़ेगा, कभी कभी एग्जाम में नाम पूछ लेता है. तो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज बिल 2018 आपको याद रखना है. और ये कब पास हुआ है, 27 दिसंबर 2018, आपको पूरा इतना याद रखना है. आपके एग्जाम में हमेशा ये ऐसे पॉइंट आ जाते हैं, तो जल्दीबाजी नहीं, शॉर्ट में नहीं, आपको पूरा नाम याद रखना है. ठीक है, उसके बाद देखें द बिल मेक्स ऑल डिक्लेरेशन ऑफ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक वॉइड एंड इलीगल. तो अगर कोई व्यक्ति अपनी वाइफ को इंस्टेंट ट्रिपल तलाक देता है तो ये इलीगल माना जाएगा. ठीक है, तो और क्या क्या पॉइंट है हम उसकी बात करेंगे. आगे बढ़ते देखते हैं. देखिए इट सीक्स टू मेक द प्रैक्टिस ए पनिशेबल ऑफेंस विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 3 years. और अगर ऐसा होता है तो 3 साल तक की जेल हो सकती है, 3 साल तक की जेल हो सकती है. और आगे अगर बात करें, देखिए तो ये बिल रिप्लेस किसको करेगा हम उसकी बात कर लें. ये बिल रिप्लेस किसको करेगा हम उसकी बात करने आ रहे हैं. द बिल विल रिप्लेस द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज ऑर्डिनेंस 2018. तो देखो दोस्तों, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि ये बिल किस नाम से आया, किस नाम से पास हुआ है, और ये किसको रिप्लेस करेगा, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए. कुछ चेंजेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पहले क्या था, जो पहले ऑर्डिनेंस आया था उसमें ये था कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को ट्रिपल तलाक देता है तो कोई भी एफआईआर दर्ज करा सकता है. लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट ने बोला कोई भी से क्या होगा, मामला गलत हो जाएगा. तो इस बार के बिल में यह है कि केवल वो महिला
या उस महिला का कोई ब्लड रिलेशन वाला ही कंप्लेन कर सकता है, कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकता। तो ये पॉइंट को हटाया गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ट्रिपल तलाक की बात कर रहे हैं, कौन सा बिल पास हुआ है और किसको रिप्लेस कर रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। अच्छा, व्हाट इज ट्रिपल तलाक? तो ट्रिपल तलाक क्या है, तो हमने बड़े डीप में इसकी इन्फॉर्मेशन दी है, तो जो बच्चे इसको डीप में समझना चाहते हैं वो देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। कि ट्रिपल तलाक की बात करें तो ये शरिया लॉ, देखिए जो इस्लामिक लॉ है वो शरिया उसे हम कहते हैं, ठीक है। तो शरिया लॉ के हिसाब से होता है, जहां पर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को ट्रिपल मतलब तीन बार तलाक कहकर तलाक दे सकता है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन में दी है। देखिए थ्री टाइप्स के डिवोर्स होते हैं, एहसन, हसन और तलाक बिद्दत, जिसे आप ट्रिपल तलाक के नाम से जानते हो। तो ये हमने आपको केवल नॉलेज के लिए दिया हुआ है, तो आप चाहें तो इसे और डीप में पढ़ सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड करके, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर दी हुई है, ट्रिपल तलाक का मुद्दा क्या है, ट्रिपल तलाक क्या होता है, कैसे होता है, वो आप चाहे तो पढ़ सकते हैं आराम से हमारा पीडीएफ डाउनलोड करके, ठीक है। अच्छा, आप लोग सुनते हैं ना ऑर्डिनेंस पास हो गया, बिल पास हो गया, एक्ट पास हो गया, तो मतलब क्या होता है, तो हमने ये भी समझाया। तो अगर ऑर्डिनेंस की बात करें, देखो तो ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है, ये एक लॉ होता है, लेकिन ये विदाउट डिस्कशन इन पार्लियामेंट, आपने देखा होगा कोई भी बिल आता है तो उस पर डिस्कशन होता है। तो ऑर्डिनेंस का मतलब कि विदाउट एनी डिस्कशन ये बिल लोकसभा राज्यसभा में पास हो जाए और राष्ट्रपति के पास चला जाए, तो इसे हम ऑर्डिनेंस बोलते हैं। और जो बिल्स होता है उसमें प्रॉपर डिस्कशन होता है लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, और ये दोनों हाउस से पास होता है, तो ये फिर ये प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो ये सब भी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, बिकॉज आप इस देश के नागरिक हैं और ये वर्ड्स जो होते हैं ये वर्ड्स आपको समझने चाहिए। बहुत लोगों को तो हमारे मौलिक अधिकार नहीं पता होते, फंडामेंटल राइट्स। तो पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है, और इसमें आप इंटरेस्ट लेते हैं तो आपकी नॉलेज भी बढ़ती है और एक आम नागरिक का अधिकार क्या होता है आपको वही मालूम चलता है, ठीक है। चलिए एक्ट की बात करें, तो एक्ट और बिल में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। इसमें देखिए पास बाय पार्लियामेंट एंड हैज आल्सो रिसीव्ड द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इन फोर्स, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, तो ट्रिपल तलाक के बारे में हमने पूरे डीप में इंफॉर्मेशन आपको दी है। और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पॉलिटी के बारे में, किसमें देखिए अब हम बात करने जा रहे हैं सेवेंथ ट्रेंच ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड सेल फ्रॉम 1 जनवरी। तो निर्वाचन बॉन्ड की सातवीं किस्त जो है वो 1 जनवरी से सेल की जाएगी। ये इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, पहले इसके बारे में समझिए, रटने की कोशिश नहीं, पहले कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, है ना। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज अपना खर्चा कैसे चलाती हैं, इनको चंदा मिलता है। अच्छा चंदा मिलता है, चंदा कैश में मिलता था, जब चंदा कैश में मिलता है तो चंदा किसने दिया क्या मालूम। तो बहुत लोग अपना ब्लैक मनी यहां पर व्हाइट में कन्वर्ट करते थे। तो अभी की बात क्या है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देता है तो कैश में मैक्सिमम लिमिट है 2000 रुपए, ठीक। तो इससे क्या हुआ, इससे पॉलिटिकल पार्टीज अपने खर्चे कैसे उठाएंगी। तो अब क्या हो गया कि ठीक है, अगर पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे उठाने हैं मार्केट से अपना काम करने के लिए, तो वो बॉन्ड के थ्रू पैसा उठाएंगी। मतलब आप इलेक्टोरल बॉन्ड लॉन्च करोगे, कोई पर्सन उसमें इन्वेस्ट करेगा तो आपको पैसे मिलेंगे। तो इससे फायदा यह होगा कि अगर आप बॉन्ड लॉन्च करते हो तो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह पता होगा कि आप कितना पैसा उठा रहे हो मार्केट से, और जो पैसा लगा भी रहा है ना उसको भी मालूम, मतलब गवर्नमेंट को मालूम चलेगा कौन कौन पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, तो जो ब्लैक मनी वाली बात है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ये इलेक्टोरल बॉन्ड लॉन्च करके पैसा उठाती है मार्केट से। अगर किसी पर्सन को, मान लो मैं अपनी बात करूं, मुझे भाजपा की कांग्रेस की या किसी पार्टी की इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना है, तो मैं कहां से खरीदूंगा, मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच जाना पड़ेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑथराइज्ड बैंक है जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड लॉन्च करता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का। आइए देखते हैं। तो देखिए सेवेंथ ट्रेंच मतलब ये सातवीं किश्त है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा सकता है, ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये 1 से 10 जनवरी तक सेल किया जाएगा, बेचा जाएगा। पहली इंफॉर्मेशन, दूसरी देखिए, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 29 ऑथराइज ब्रांच जो है, मतलब 29 ब्रांच ऐसी है जो ऑथराइज्ड है, जहां से आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हैं, ठीक। आगे बढ़े, देखिए ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, एक तो सेवेंथ, ये जो सेवेंथ ट्रेंच है वो, और 1st to 10 जनवरी ये बेचा जाएगा, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 29 ऑथराइज ब्रांच से बिकेगा। ये सब इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद क्या, देखिए कोई भी व्यक्ति, मैं अकेले चाहूं या मैं, सचिन सर, श्याम सर, चाहे मतलब हम लोग चाहे सिंगल और चाहे ज्वाइंट में से खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसकी नहीं है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखिए ये है, ये अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था, आई थिंक या तो RRB PO मेंस में था या फिर IBPS PO मेंस में था, कि इलेक्टोरल बॉन्ड जब लॉन्च होता है तो कितने दिन तक वो वैलिड होता है। तो 15 डेज तक वो वैलिड होता है। तो देखिए एन इलेक्टोरल बॉन्ड विल बी वैलिड फॉर 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। तो ये भी आपको याद, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। तो अब क्वेश्चन बनता है कि यार इलेक्टोरल बॉन्ड का मिनिमम कोई अमाउंट होता है या मैक्सिमम कोई अमाउंट होता है, हम उसकी बात भी करने आ रहे हैं। देखिए
तो ऑल यू नीड टू नो अबाउट इलेक्टोरल बॉन्ड, आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों आया. ठीक, आगे देखिए. तो आपको ध्यान क्या देना है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए मिनिमम 1000, 10,000, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए आप इसके डिनोमिनेशन में खरीद सकते हैं. तो ये हमने आपको पॉइंट दिया. और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑथोराइज्ड बैंक है जो कि किसी पार्टी का इलेक्टोरल बॉन्ड लॉन्च करता है. ठीक, तो ये इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी. और यहाँ पर हमने आपको पूरा दिया इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में कि कौन कौन इसे खरीद सकता है. और आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 15 डेज वाला पॉइंट आपको याद रखना है. ठीक है, और ये भी है कि KYC नॉर्म्स आपको फुलफिल करना पड़ेगा. KYC का मतलब आपको अपना ID प्रूफ, अपना एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा. भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहा है तो कौन खरीद रहा है, ये सब ब्लैक मनी को रोकने के लिए हुआ है. ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी है. आई होप कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. और अब नेशनल अफेयर्स की बात करेंगे. और नेशनल अफेयर्स में यहाँ पर हम सरकारी कंपनियों की बात कर रहे हैं. हम नाम सुनते हैं रिलायंस का, हम नाम सुनते हैं TCS का कि ये कंपनीज बहुत आगे बढ़े हैं. तो गवर्नमेंट कंपनीज में ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो टॉप पर हैं, हम उसकी बात करने यहाँ पे जा रहे हैं. तो इंडियन ऑयल, ONGC एंड NTPC मोस्ट प्रॉफिटेबल PSUs, ये इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है. तो देखिए क्या क्या आपको पढ़ना है यहाँ पे. ठीक है, देखिए तो एक पब्लिक इंटरप्राइज सर्वे हुआ, पब्लिक मतलब सरकारी कंपनी का सर्वे हुआ, जिसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ONGC और NTPC ये टॉप 3 मोस्ट प्रॉफिटेबल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है. यानी पहले पे कौन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, दूसरे पे ONGC और तीसरे पे NTPC. तो ये नाम हमने आपको दे दिए. अब देखिए फोर्थ फिफ्थ का नाम देखिए, कोल इंडिया एंड पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, ये फोर्थ और फिफ्थ प्लेस पर आए. तो ये भी मतलब स्टार्टिंग के 5 हमने आपको दे दिए. तो स्टार्टिंग के 5 हमने आपको दे दिए, तो लॉस्ट में कौन सी कंपनी है उसकी बात भी कर लें. देखिए तो यहां पर आपको आगे चलना पड़ेगा, ये लिस्ट बना लीजिएगा. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ONGC और NTPC टॉप 3 कंपनीज हैं प्रॉफिट में. ठीक, और चौथे पे का कोल इंडिया है, पांचवे पे कौन है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है. तो हम आगे बढ़ते, देखिए BSNL, एयर इंडिया और MTNL, ये 3 कंपनी है जो कि दूसरे वर्ष भी सबसे लॉस में रही, सबसे ज्यादा लॉस में 3 कंपनी रही. तो इसकी इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी है. ठीक है, तो अगर आपको लगे हमारे शो के बारे में तो आप इसे हमें हमारे शो को लाइक भी कर सकते हैं, आप शेयर भी कर सकते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. और आपको हम एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लिस्ट ऑफ हेड ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. तो जो सरकारी कंपनी है उनके हेड के नाम आपको हम बता रहे हैं, मतलब चेयरमैन और हेड के नाम. ONGC, ऑयल इंडिया लिमिटेड, सारी कंपनी है उसके देखिए आपको चेयरमैन और जो MD हैं सबके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं. तो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद कर लेनी चाहिए, बिकॉज ये काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है. आपको यहाँ वहाँ भागने की जरूरत नहीं है, बस हमारे करंट अफेयर शो में आइए और आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन हम दिखा देते हैं. ठीक है, चलिए और नेशनल अफेयर्स में आगे बात करेंगे. तो गगनयान के बारे में काफ़ी दिन से हम बात कर रहे हैं, तो गगनयान से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी बात भी करेंगे आज. तो सारे पॉइंट को बहुत ध्यान सुनिएगा और वो पॉइंट कंप्लीट कर लीजिएगा. ठीक है, तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है 10,000 करोड़ रुपए फॉर गगनयान प्रोजेक्ट. तो आपको पता है कि जो हमारा इसरो है वो मैन मिशन भेज रहा है कहां पे, स्पेस में. तो उसकी बात हम कर रहे हैं यहां पर. तो कैबिनेट ने 10,000 करोड़ रुपए अप्रूव किए हैं, ये बहुत बड़ी बात है, इसे भी आपको याद रखना है. आइए देखते हैं क्या क्या पॉइंट इसमें आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करनी है. देखिए, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव गगनयान प्रोजेक्ट अंडर विच अ 3 मेंबर क्रू. यानी पहली इंफॉर्मेशन कि 3 मेंबर क्रू होगा. ठीक है, क्रू सॉरी विल बी सेंड टू स्पेस फॉर एट लीस्ट 7 डेज, और 7 दिन, कम से कम 7 दिन के लिए ये भेजे जाएंगे. गगनयान कितना अमाउंट हुआ, 10,000 करोड़ रुपए, 7 दिन के लिए स्पेस में भेजे जाएंगे 3 मेंबर क्रू. ये सारी इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है. ठीक है, देखिए द प्रोजेक्ट विल कॉस्ट रुपीज 10,000 करोड़, तो 10,000 करोड़ रुपए का पूरा कॉस्टिंग इसकी है. ये भी पॉइंट आपको याद रखनी है. और देख लेते हैं, और इसके लिए रशिया और फ्रांस से इंडिया पहले ही एग्रीमेंट कर चुका है. फ्रांस और रशिया, ये 2 देश आपको याद होने चाहिए. तो हम बात कर रहे थे गगनयान की, तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. और गगनयान जो है अगर वो चला गया स्पेस में, जाएगा ही जाएगा, बी पॉजिटिव, तो इंडिया 4th देश बन जाएगा जिसने ह्यूमन को भेजा है स्पेस में. ये भी अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है ना. तो देश बदल रहा है, कहा गया युवा बदलेगा, देश बदलेगा. तो आप लोग युवा हैं, हम लोग का तो मतलब टाइम खत्म हो चुका है. तो आप लोग युवा हैं, आप बदलिए, देश अपने आप बदलेगा. जैसे फॉर एग्जांपल आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कल को आप कोई SSC में जाएगा, कोई बैंक में जाएगा, कोई कहीं जाएगा, आप लोग बिल्कुल घूस नहीं लेंगे, मुझे पता है. आप लोग बिल्कुल दहेज नहीं लेंगे, मुझे पता है. युवा बदलेगा, देश बदलेगा, है ना. चलिए तो शुरू करते हैं आगे और बात करते हैं. देखिए बड़ा बहुत प्यारी इन्फॉर्मेशन आपको हम यहाँ पर दे रहे हैं.
इसरो के जो जो मिशन कंप्लीट हो चुके हैं, तो चंद्रयान 1 कंप्लीट हो चुका है और ये आपका मंगलयान कंप्लीट हो चुका है। हमने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी है कि देखिए 2008 में ये मतलब लॉन्च हुआ था या फिर 2013 में मंगलयान लॉन्च हुआ था, तो किसी को ये इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आराम से ले सकता है। जो जो मिशन कंप्लीट हो चुके हैं, अभी आगे आपको हम स्लाइड में दिखाएंगे कौन कौन से मिशन हैं और जो एग्जाम में पूछे भी गए, चलिए हम उसकी बात भी करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए तो ये सब कंप्लीट हो चुका है, एस्ट्रोसैट हो चुका, साउथ एशियन सैटेलाइट तो बहुत बढ़िया था, इसमें हमने पाकिस्तान को एक्सेस नहीं दिया है और बाकी जितने देश हमारे आसपास के हैं, तो जो उनके यहाँ डिजास्टर आता है या जो परेशानियां होती हैं तो हमने इनको, जैसे बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया, हमने एक्सेस दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखिए लिस्ट ऑफ प्लान्ड मिशन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रयान 2 की इंफॉर्मेशन यहां पर आपको हम दे रहे हैं, कौन से लॉन्च व्हीकल से जाएगा, GSLV MK3 Mark 3 आप देख रहे हैं यहां पर, और ये कब लॉन्च होगा, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2019। ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए आदित्य L1, तो ये भी क्वेश्चन हम बात कर चुके हैं इस पर भी, तो ये क्या है, इसरो प्लान टू कैरी आउट अ मिशन टू द सन बाय द ईयर 2019-20। ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फिर से बोल दे रहा हूं आपके लिए, ठीक है। तो आई थिंक आपने ये देख लिया होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, अवतार और रीसेट 1A। देखिए तो इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन में दी है, तो PDF में देख लीजिएगा, बिकॉज सारी इन्फॉर्मेशन अगर मैं एलिबरेट करूंगा तो बहुत हमारा शो 2-3 घंटे का हो जाएगा, है ना। तो ये आप थोड़ा देख लीजिएगा क्या है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने हाईलाइट कर दिए पहले से ही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निसार क्या है, देखिए आपको पता होना चाहिए नासा और इसरो का एक ज्वाइंट वेंचर है, देख लीजिएगा इसे। और मार्स मिशन, ये MOM-2, देखिए मार्स ऑर्बिटर मिशन 2, MOM-2 मतलब दूसरा मंगलयान का जो हम बात कर रहे हैं, तो ये भी इंफॉर्मेशन आपको हमने दे दिया है, टाइम वाइम सब हमने बता दिया कब ये लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा एक और बड़ा है, इंडियन वीनस ऑर्बिट मिशन। तो आपको पता है कि इसरो ने कुछ दिन पहले बोला था कि वीनस पे भी वो जाएंगे, तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमने दी हुई है, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है बेटा, याद कर लीजिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये एक एडवाइस है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ तक कंप्लीट होगी इन्फॉर्मेशन हमारी। चलिए अब NHRC की बात करेंगे, मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पब्लिक के बीच में और ज़्यादा पेनेट्रेट करना चाहता है, और ज़्यादा घुसना चाहता है। तो अगर आपको लगता है कि किसी के मानवाधिकार का हनन हो रहा है, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने अपना लॉन्च कर दिया है। आइए देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको हम दे सकते हैं इसमें, ठीक है। चलिए देखिए, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने अपना टोल फ्री नंबर लॉन्च किया है, और ये टोल फ्री नंबर क्या है, 1443, ये आपको याद रखना है। नीचे वही बोला गया है कि दिस स्टेप हैड बीन टेकन बाय द NHRC टू एक्सपेंड इट आउटरीच, मतलब अपनी आउटरीच को बढ़ाने के लिए ये टोल फ्री नंबर लॉन्च किया गया है। तो आपको नंबर याद रख लेना है, 1443 ये नंबर है, देख लीजिए भाई लोग, ठीक है। चलिए तो ये इतना पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है केवल। तो अब NHRC के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको हम और दे देते हैं, ताकि आपके एग्जाम में कभी आए तो आप आराम से कर लें इसे। देखिए तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और स्टैट्यूटरी का मतलब संवैधानिक, और ये संवैधानिक कैसे होती है, देखिए तो इट वॉज गिवन अ स्टेटूटरी बेसिस बाय द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा कि ह्यूमन राइट एक्ट कब पास हुआ था, 1993 पास हुआ था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है। बाकी सब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में समझाया गया कि ये कैसे वर्क करते हैं, तो यार इतना तो हमको मालूम है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का वर्क क्या होने वाला है, ठीक है। नहीं मालूम तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन पूरी आपको दी गई है, ठीक है। अब देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है, और एजेंसी एग्जीक्यूटिव की बात करें तो जस्टिस HL दत्तू जो है वो चेयरमैन है, जस्टिस HL दत्तू चेयरमैन है, देख लीजिएगा, और अंबु शर्मा सेक्रेटरी जनरल है, ये दोनों इन्फॉर्मेशन मैं आपको दी है। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिसके चेयरमैन हमको नहीं पता होते हैं, तो टेस्टबुक आपकी ये कमी दूर करेगा और आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा, देख लीजिए। तो यहाँ पर हमने आपको चेयरमैन की बात की है, जैसे ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ की बात करें, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड क्लास वुमेन, हमने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी है और आप ये इन्फॉर्मेशन याद कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सबको, थोड़ा जल्दी आया करो, ये काफ़ी डीप में इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारा शो देखें केवल आपका पूरा स्टैटिक पॉइंट अपने आप कंप्लीट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। देखिए तो देख लीजिए पूरी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, और नेक्स्ट पॉइंट यहां पर हम हैंडबुक की बात कर रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री ने क्या किया, अपना हैंडबुक लॉन्च किया है। अब ये हैंडबुक से क्या होने वाला है, ये हैंडबुक एक डायरेक्टरी भी है, मतलब जो आपके जो आपका, अगर हम देखिए आगे समझाते हैं आपको सारी बात, क्या क्या सारी बात यहां पर है। देखिए द एडमिनिस्ट्रेटिव हैंडबुक ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये लॉन्च कर दी गई है, ठीक है। और इसमें क्या बोला गया है, द हैंडबुक इज अ मिक्स ऑफ टेलीफोन डायरेक्टरी
एंड अ डायरी एंड डिस्प्ले कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ ऑल ऑफिसर्स ऑफ द मिनिस्ट्री एंड मीडिया यूनिट्स। तो आप समझ गए होंगे क्या इसकी बात यहाँ पर है। तो इस हैंडबुक में क्या है, इस हैंडबुक में जितने भी मंत्रालय के ऑफिसर्स हैं या मीडिया इकाइयों के ऑफिसर्स हैं उनके पूरे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है, ठीक है। कॉमन मैन, थैंक यू सो मच। ये सब आप लोगों के रिकमेंडेशन से ही पॉसिबल हो पाया है, वरना देखो हम करंट अफेयर्स को उस मुकाम तक ले जाना चाहते हैं जहाँ तक कोई सोचता नहीं है। हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, यही हमारा लक्ष्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता है कि कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जो रिटायर हो चुके हैं वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में, तो ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की बात करें तो मैंने आपको मिनिस्टर ऑफ स्टेट को समझा दिया है। आपको एजेंसी एग्जीक्यूटिव मतलब कि अमित खरे का नाम पता होना चाहिए। अमित खरे इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी हैं, तो ये भी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी। हेडक्वार्टर ऑफकोर्स न्यू दिल्ली में ही होने वाला है। तो देख लीजिए आपको हमने इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी। हम आगे बढ़ते हुए आपको अवार्ड्स एंड ऑनर की बात करेंगे। चंबा एक डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए तो अगर हम बात करें चंबा की जो एसपी हैं इन्हें चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड मिला है। कल हम लोग बात कर रहे थे किसकी, बीरेंद्र सिंह जी की, और आज यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं चंबा की सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। देखिए चंबा की सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मोनिका, इनका नाम है मोनिका भुटुंगुरु, वॉज कन्फर्ड विद द चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड बाई वेंकैया नायडू, जो कि हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक। तो ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, ये देख लीजिएगा। और देखिए तो शी वॉज अवार्डेड फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेनरी वर्क एंड ब्रिंगिंग अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द चंबा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और है, तो आपको इनका नाम याद रखना है। इनका नाम क्या है, मोनिका भुटुंगुरु। इनको चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड मिला है किससे, हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट से। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। द अवार्ड सिलेक्शन ज्यूरी वॉज लीड बाई फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केजी बालाकृष्णन। तो केजी बालाकृष्णा जो ये ज्यूरी थे, हेड थे, उन्होंने इन्हें चूज किया है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमको दे दी। और चंबा हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे है ही, ठीक है, नाम याद कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए आते हैं वापस और फिर से एक बार आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे हम लोग करंट अफेयर्स बनाते हैं। अब देखिए तो मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बीरेन्द्र सिंह को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड मिला था, कल की न्यूज़। उसके बाद देखिए स्टार प्लेयर मंजू मेहता को तानसेन सम्मान मिला था मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से, याद करिए। उसके बाद देखिए मोहम्मद रफ़ी अवार्ड तो लक्ष्मीकांत को मिला था और उषा टिमोटी को मिला था, है ना, रिवीजन। देखिए आगे बढ़ते हैं और अगर बात करें तो रेलवे को 17 अवार्ड्स मिले हैं नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2018 में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देती है ना, चलिए तो याद कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं अदर रिसेंट अवार्ड देख लीजिए। तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर सुरेश प्रभु को स्कॉच गोल्डन जुबली चैलेंजर अवार्ड मिला है और टाटा स्टील को प्राइम मिनिस्टर ट्रॉफी मिली है फॉर बेस्ट परफॉर्मिंग इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन द कंट्री फॉर 16-17, ठीक है। तो बढ़िया इन्फॉर्मेशन हमारी हो गई और बढ़िया रिवीजन हमारा हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे एग्रीमेंट और एमओयूज की बात करेंगे यहां पर। और एमओयू किसके भी साइन हुआ, देखिए तो एक एमओयू साइन हुआ है टू डेवलप अ मोबाइल ऑडियो गाइड एप्लीकेशन। ये मोबाइल ऑडियो गाइड एप्लीकेशन का मतलब आपको पता होगा, बहुत सारी चीजों के एडवर्टीजमेंट हम देखते रहते हैं, है ना। तो ये टूरिज्म मिनिस्ट्री ने एमओयू साइन किया है, किसके साथ आपको आगे दिखाते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे, क्या आपसे बात करते हैं। देखिए द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म साइंड अ एमओयू विथ, तो एक मेसर्स हैं, इनका नाम है रेसबर्ड टेक्नोलॉजीज और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है फॉर डेवलपमेंट ऑफ मोबाइल ऑडियो गाइड एप्लीकेशन फॉर 5 आइकॉनिक साइट्स। तो 5 जो हमारे देश के प्रसिद्ध आइकॉनिक साइट्स हैं उनके लिए ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। नाम याद रखिएगा, इनका नाम क्या है, इनका नाम है रेसबर्ड टेक्नोलॉजीज, ठीक, ये आपको याद रखना है। तो द एमओयू हैज बीन साइंड अंडर द अडॉप्ट हेरिटेज प्रोजेक्ट। तो जो ये एमओयू साइन हुआ है ये अडॉप्ट अ हेरिटेज प्रोजेक्ट के अंडर में साइन हुआ है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, पहले तो कि किसके बीच में एमओयू साइन हुआ है, किसके लिए हुआ है और किस प्रोजेक्ट के अंडर साइन हुआ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए और आई होप कि आपको ये पता हो भी गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन 5 आइकॉनिक प्लेस के बारे में, ये कौन कौन से हैं देख लीजिए। तो आमेर फोर्ट राजस्थान, काजीरंगा असम, उसके बाद कोलवा विच गोवा, उसके बाद आप देखें यहाँ पर कुमारकोम केरला एंड महाबोधि टेम्पल बिहार। तो इनके लिए, इन 5 साइट्स के लिए ये ऑडियो एप्लीकेशन लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया दिखाते हैं। ये आज के आज आपको याद हो जाना चाहिए,
जो हमारे देश में यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं वो आप आज ही कंप्लीट करेंगे, और यहाँ पर हमने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है कहाँ कहाँ पे ये हेरिटेज साइट हैं। आलस मत करना, आज की आज खत्म कर लेना। मैंने बोला ना, आप करंट अफेयर शो हमारा फॉलो करें, आपकी स्टडी अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक, देखिए तो यहाँ पर देख लीजिए, और भी हैं यूनेस्को हेरिटेज साइट्स, ठीक है। चलिए तो इसे आप याद कर लेंगे, आप सब रॉक स्टार्स हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और बिजनेस इकोनॉमी की बात करेंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 7 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में 28,615 करोड़ रुपए इन्फ्यूज करने वाली है। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, और साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है, बिकॉज वो सारे के सारे बैंक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से बाहर हो जाएंगे, और जैसे ही वो बाहर होंगे तो वैकेंसीज वो लॉन्च कर सकते हैं अपनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट इतना अमाउंट इन्फ्यूज कर रहा है 7 पब्लिक सेक्टर बैंक में, ठीक है। तो ये पहले इन्फॉर्मेशन, दूसरी देखिए, द अमाउंट इन्फ्यूज विल हेल्प द बैंक टू मीट रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट। मतलब कि बैंक किस कंडीशन में सेफ है, बैंक के पास कितनी कैपिटल होनी चाहिए, तो ये जो अमाउंट है वो हेल्प करेगा इन बैंकों में, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, आउट ऑफ दी 7 बैंक ऑफ इंडिया को सबसे ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं। यहां पर देख ले अमाउंट 10,086 करोड़ रुपीस, और सेकंड नंबर पे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है जिसको मिलेंगे 5,500 करोड़ रुपीस। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में आपके, ठीक। अच्छा, उसके बाद देखें तो दूसरे बैंकों की बात करें, देखिए तो यहां पर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को 4,498 करोड़, यूको बैंक को 3,056 करोड़ रुपीस, एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को 2,159 करोड़ मिलने वाले हैं। तो आपसे सबसे ज्यादा पूछा सकता है, तो बैंक ऑफ इंडिया वाला पॉइंट आपको याद रखना है, यानी टोटल अमाउंट और बैंक ऑफ इंडिया वाला अमाउंट और 7 बैंक, आप ये तीन चीज याद कर लीजिएगा तो आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा इससे तो आप आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए, पार्ट ऑफ इंद्रधनुष, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है, ये इंद्रधनुष का पार्ट ही है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो हमने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में लिस्ट ऑफ सीईओस और एमडी ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यहां पर दिए हैं, जिसे आप याद कर लेंगे आज के आज, ठीक है। चलिए तो दो स्लाइड यहां पर है जो ये कवर कर रही है, याद कर लीजिएगा बेटा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने बस यहां पे आ गया। अब फिजिकल डेफिसिट टच 115% ऑफ टारगेट, तो राजकोषीय घाटा जो है वो 115% के नियर अबाउट पहुंच गया है। ये है क्या, ये सब जो टर्म्स होते हैं ना हमें कभी क्लियर नहीं होते, तो इसे ईजी लैंग्वेज में समझते हैं। सपोज करिए आप कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, और आप एक बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो आपने सोचा कि यार स्टार्टिंग में तो प्रॉफिट होना नहीं है, स्टार्टिंग में लॉस होना है। कितना लॉस होना है, आपने सोचा कि 1,00,000 रुपए में लॉस होगा। चलो 1,00,000 रुपए को 100% मान लेते हैं, लेकिन आपको लॉस हो गया 1,15,000 रुपए का, यानी कि 15% आप और लॉस में चले गए। तो आपने जो सोचा था उससे ज्यादा आपको लॉस हो गया, तो राजकोषीय घाटा 115% चला गया, यही मतलब इसका है, ठीक है। राजकोषीय घाटा कैसे होता है, कभी बजट का सेशन ले लेंगे तो उसमें बजट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट से पढ़ा देंगे, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो अभी आपको ये रट्टा मारना 115%, ठीक। देखिए वही इंफॉर्मेशन है, तो हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है वो करीब 114.8% तक पहुंच गया है, और अगर अमाउंट की बात करें तो 6.24 लाख करोड़ रुपीस जो आपको यहां पे दिखाई पड़ रहा है। क्यों, लोअर रेवेन्यू कलेक्शन। अब लोअर रेवेन्यू कलेक्शन का मतलब, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू का मतलब होता है गवर्नमेंट की अपनी इनकम। गवर्नमेंट बोरोइंग्स भी करती है बेटा, वो कैपिटल में आता है, हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। रेवेन्यू का मतलब सरकार की अपनी इनकम, लाइक टैक्स वैक्स जो हम पे करते हैं, तो लो रेवेन्यू की वजह से ये घाटा गवर्नमेंट का हुआ, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, तो गवर्नमेंट ने 3.53% 17-18 में अपना फिस्कल डेफिसिट पूरा रखा था टारगेट, और 18-19 में 3.3% तक कर दिया है, ये हमारा लक्ष्य है। देखिए ये कंप्लीट हो पाता कि नहीं, जीडीपी का, जीडीपी मतलब जो हमारी इनकम आएगी और जो हमारा घाटा आ रहा है, तो हमारी इनकम का घाटा 3.3% होना चाहिए ये। तो आप 3.3% रट्टा मार लीजिएगा, यही आपके काम की चीज़ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपसे बात करते हैं यहाँ पर, व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा क्या होता है। आप अभी के लिए आप केवल यहाँ पर ये फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं, बस फॉर्मूला, ठीक। उसके बाद बाकी बात मैं एक दिन क्लास ले लूंगा इसकी, तो मैं आपको समझा दूंगा कैसे ये निकलता है, ठीक है। देखिए करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, तो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट का सीधा फॉर्मूला है इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। तो हमारे इंडिया में एक साल में कितना इंपोर्ट हुआ माइनस कितना एक्सपोर्ट हुआ, उसे हम क्या बोलेंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट बोलेंगे, चालू खाता घाटा बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको हम दिखाते हैं अपॉइंटमेंट के बारे में, और अंबिका प्रसाद पांडा की बात कर रहे हैं, तो अंबिका प्रसाद पांडा को SECL का CMD अपॉइंट किया गया है। ये SECL क्या है, कौन सी कंपनी है, हम उसकी पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। नाम याद कर लीजिए, अंबिका प्रसाद पांडा, आपको यहाँ पे नाम हम दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं, तो अंबिका प्रसाद पांडा जो है ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की, ये आपने देख लिया। अच्छा,
She has been appointed as the CMD of SECL for a 5 year. तो ये 5 साल के लिए साउथ ईस्टर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड की क्या बनी है, चेयरमैन और एमडी बनी है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. देखिए यहां पर तो SECL क्या बेटा, ये कोल इंडिया लिमिटेड की एक सब्सिडरी है. कोल इंडिया लिमिटेड के अंडर में ये वर्क करती है. उसका हेडक्वार्टर कहां पे है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है. आई होप कि आपको ये सब इन्फॉर्मेशन क्लियर हो रही होगी. ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की. ठीक है, चलिए अब लिस्ट ऑफ हेड ऑफ PSUs. तो जो जो इंपॉर्टेंट PSUs हैं उनके हेड के नाम हमने आपको अलग से यहां पर दे दिए हैं. आप इसको भी याद कर सकते हैं आपका मन करे तो. वैसे मन की बात मत सुनिए, मन बड़ा चंचल होता है, आपको इसे याद कर लेना है. ठीक है, आपको इसे याद कर लेना है, ये समझ लीजिएगा. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, एक स्लाइड और आपके सामने आ रही है. चलिए अब हम बात करेंगे राजेश जी जो हैं ये फेडेक्स एक्सप्रेस के सीईओ अपॉइंट हुए हैं. ये फेडेक्स एक्सप्रेस क्या है, तो ये कुरियर कंपनी है, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कुरियर कंपनी है. आई थिंक कुरियर का मतलब तो आपको पता ही होगा, आजकल बहुत स्नैपडील फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते होंगे आप लोग, तो कुरियर आपके यहां भी आता होगा. फेडेक्स की बात यहां पर कर रहे हैं. ठीक है, तो इनका पूरा नाम है ये देखिए, तो इंडियन अमेरिकन राजेश सुब्रमण्यम जो है ये इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फेडेक्स एक्सप्रेस. देख लिया आपने, फेडेक्स एक्सप्रेस एक कुरियर कंपनी है, मैंने आपको पहले बता दिया. और जनवरी 1, 2019 से ये अपने नए रोल को प्ले करेंगे और इन्होंने सीईओ डेविड कनिंघम को रिप्लेस किया है. तो रिप्लेस वाला पॉइंट भी आपको थोड़ा पढ़ना होता है. ठीक है, वो देख लीजिएगा आप लोग. चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं. तुम लोग क्या बात कर रहे हो मैंगो वैंगो की, थोड़ा सा यहां पर बात देख लो. एक ही तो यार क्लास होती है मॉर्निंग में. और हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे. तो एफ अल्फाबेट से जितने भी कंपनी हैं, फेसबुक, फेडेक्स, फोर्ड मोटर, उसके बाद जनरल डायनेमिक्स FD की बात करें तो हमने उनके CEO के नाम दिए हुए हैं. तो अगर आप हमारी डेली क्लास देखेंगे तो हम अल्फाबेट से कुछ कंपनीज और उनके CEO के नाम आपको यहाँ पर जरूर देते हैं. ठीक है, देख लीजिएगा इसे. चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, समिट एंड कॉन्फ्रेंस की. तो इंडियन सोशल साइंस कांग्रेस का उद्घाटन हुआ. तो भारतीय सामाजिक विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन हुआ. उद्घाटन कहां पर हुआ, किसने किया, ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको यह भी देखनी है. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. देखिए यहां पर द 42nd एडिशन, ये चीज आपको याद रखनी है. द 42nd एडिशन ऑफ इंडियन सोशल साइंस कांग्रेस वॉज इनॉग्रेटेड बाई मणिपुर गवर्नर डॉक्टर नजमा हेप्तुल्ला. तो इसका उद्घाटन किसने किया, नजमा हेप्तुल्ला जी ने किया. एक इंफॉर्मेशन ये. ठीक, कहां पे किया, भुवनेश्वर में किया, ये भी देख लीजिए. तो 42वां एडिशन इंडियन साइंस कांग्रेस कहां पर हुआ, भुवनेश्वर में हुआ. और ये अगर बात करें मणिपुर गवर्नर डॉक्टर नजमा हेप्तुल्ला जी ने इसका उद्घाटन किया, ये इंफॉर्मेशन है. देखिए थीम की बात करते हैं. इसकी थीम है ह्यूमन फ्यूचर इन डिजिटल एरा. ह्यूमन फ्यूचर इन डिजिटल एरा थीम आपको तुरंत लर्न कर लेनी है. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है आपके लिए. आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं अदर इंपॉर्टेंट रिसेंट समिट एंड कॉन्फ्रेंस. तो आपको ये क्विक रिविजन, सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी समिट कहां पर हुई थी जी, नैरोबी केन्या, मैं पढ़ा चुका हूं आपको. उसके बाद देखिए वर्ल्ड टॉलरेंस डे कहां पर हुआ था, दुबई में हुआ था. इसके बाद देखें G20 कहां हुआ, G20 अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स में हुआ, ब्यूनस आयर्स कैपिटल अर्जेंटीना की. ठीक, आगे बढ़े द फर्स्ट ग्लोबल मोबिलिटी समिट मूव कहां पर, न्यू दिल्ली में हुआ और इसे नीति आयोग ने ऑर्गेनाइज कराया था. ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के पॉइंट से आपके एग्जाम में आ सकती हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं, आर्ट और कल्चर की बात करते हैं. तो इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल जो है ये बीकानेर में सेलिब्रेट होगा जनवरी 12 को. तो 12 जनवरी से बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव सेलिब्रेट किया जाएगा, जिसकी इंफॉर्मेशन हमने आपको यहां पर दे दी है. आगे बढ़ते हुए आपको और दिखाते हैं. देखिए इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल जो है ये बीकानेर में 12 जनवरी से शुरू हो रहा है. और यहां पर बस वही है कि मतलब जो ऊंट है उनका डेकोरेशन, देखिए यहां पर कैमल डेकोरेशन डिजाइनिंग अमंग अदर्स, वही आप समझ जाएंगे क्या इसका मतलब है. ठीक है, तो देख लीजिएगा इसे. हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं. देखिए सेकेंड गुवाहाटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे रहे हैं. ये कहाँ पर हुआ था जी, असम में हुआ था. थीम क्या थी, वसुदेव कुटुंबकम, अगर आपको याद हो तो, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ आपको. ठीक, ये देख लीजिएगा. और आगे अगर बात करें इसमें ओपनिंग मूवीज सब दिया हुआ है. ठीक है, आगे देखिए एक्सपीरियंसिंग नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, ये कहाँ पर हुआ था, तो ये दिल्ली में हुआ था. ये भी हमने बात की है पहले भी क्लास में. आगे देखें वुमेन ऑफ इंडियन नेशनल ऑर्गेनिक फेस्टिवल 5th एडिशन, ये कहां पर हुआ था जी, न्यू दिल्ली में हुआ था. ये भी देख लो, ये सब रिवीजन वाली बात है. ठीक है, और यहां पर ये पॉइंट खत्म. हम आगे बढ़ते हैं और आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलते हैं. हमारी नेक्स्ट स्लाइड ये आपके सामने आ गई. देखिए और बिहू फेस्टिवल की बात करें तो असम में हुआ था, ये भी इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी है. फर्स्ट कॉर्न फेस्टिवल कहां पर हुआ था, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश. ये सारा रिवीजन वाला पॉइंट है जो आपको हम बता रहे हैं, और आपको ये सब याद नहीं होगा, तुरंत तुरंत याद भी करते रहिए. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करेंगे और इंडिया ने
अनाउंस किया है भूटान को फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए, क्योंकि भूटान जो है वो अपने 5 ईयर प्लान के लिए तैयार है, उसका नेक्स्ट 5 ईयर प्लान शुरू होने वाला है, तो उसको यहाँ पे गवर्नमेंट हमारी हेल्प करने वाली है। कितनी देखिए यहाँ पर, तो इंडिया ने अनाउंस किया है 4,500 करोड़ का फाइनेंशियल असिस्टेंस भूटान को देने के लिए उनके 12th 5 ईयर प्लान के लिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए इंडिया हेल्प करेगी 4,500 करोड़ रुपए की, ठीक है। अब देखिए, द अनाउंसमेंट वॉज मेड आफ्टर द इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मिट, तो भूटान के प्राइम मिनिस्टर लोटे त्सेरिंग जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इन दोनों की मुलाकात हुई, जहां पर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने यह अनाउंसमेंट किया। आप यहां पर देख लीजिए, भूटान की बात यहां पर हो रही थी। देखिए 2022 तक इनका भूटान का 5 ईयर प्लान चलेगा, जिसकी इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। और पीएम त्सेरिंग जो है ये अपनी पहली विदेश यात्रा पर दिल्ली पहुंचे हुए हैं, ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने हमने दे दी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भूटान के बारे में, वर्ल्ड मैप पर कहां पर ये एग्जिस्ट करता है ये आपको पता ही है। कैपिटल आपको याद रखनी है, करेंसी आपको याद रखनी है, नगल ट्रम, ये कई बार बच्चे भूल जाते हैं, करेंसी और कैपिटल को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे, और पाकिस्तान टू इशू पांडा बॉन्ड, पाकिस्तान जो है ये पांडा बॉन्ड इशू करने वाला है। देखिए पांडा बॉन्ड क्या होता है, जिस तरह से आपने मसाला बॉन्ड सुना है, मसाला बॉन्ड का मतलब इंडिया फॉरेन के कंट्रीज से पैसे उठाता है इंडियन करेंसी के डिनोमिनेशन में, तो पांडा बॉन्ड का मतलब है पाकिस्तान चाइना के कैपिटल मार्केट से पैसा उठाएगा लेकिन रेनमिनबी, मतलब युआन में, पांडा बॉन्ड ये देखिएगा यहां पर लिखा हुआ है, ठीक। आपको बताइए कि पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है, तो पाकिस्तान पूरी तरह से चाइना पर डिपेंडेंट है, तो चाइना के मार्केट से वो पैसा बोरोइंग करेगा, ये मतलब इसका है। देखिए इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं यहां पे, देखिए तो पाकिस्तान कैबिनेट अप्रूव द इश्यूएंस ऑफ फर्स्ट एवर रेनमिनबी, जो चाइना करेंसी है, डिनोमिनेटेड पांडा बॉन्ड, ये आप देख पा रहे, ठीक है। और ये देखिए चाइना की कैपिटल मार्केट से पैसा उठाएंगे, कितना एक्सपेक्टेशन है इनका, देखिए तो इट एक्सपेक्ट टू रेस 500 मिलियन टू 1 बिलियन इरन में भी, यहाँ कैपिटल मार्केट से, कैपिटल मार्केट ऑफ चाइना से। तो ये अभी फिक्स नहीं है, ना ये फिक्स है, ना इसका ब्याज कितना ये ब्याज पे करेंगे वो फिक्स है, लेकिन लमसम एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिए हैं ये लोग। देखिए आगे देखिए, तो 5.5% का, भाई अगर पाकिस्तान उधार लेगा तो ब्याज देगा ना, इंटरेस्ट देगा ना, तो 5.5% इंटरेस्ट की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं पाकिस्तान के बारे में, तो प्रेसिडेंट आरिफ अली, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, और सब पता ही है आपको, ठीक। चलिए स्पोर्ट्स की बात करते हैं, तो वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है वो 31 दिसंबर से शुरू हो रही है, वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 31 दिसंबर से शुरू हो रही है, ये इन्फॉर्मेशन देखिए। देखिए नेशनल वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है ये कर्नाटका में होगी, कब होगी, 6 जनवरी से शुरू हो रही है, ठीक, 31 दिसंबर से 6 जनवरी तक ये चलेगी, 31 दिसंबर से 6 जनवरी तक ये चलेगी, इसकी इंफॉर्मेशन। द टूर्नामेंट विल बी हेल्ड एट द JSW स्पोर्ट्स इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, मतलब कि ये जो JSW है ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, और जो इनका अपना एक इंस्टीट्यूट है वहां पर ये चीज होगा, तो आपको डेट याद रखनी है 31 दिसंबर से 6 जनवरी, ठीक। देखिए आगे बढ़ते हैं, तो ये पहली बार हो रहा है जब बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ये अपना कंपटीशन कराने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको स्टेट याद रखना है, स्टेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, कर्नाटका, फिर से कर्नाटका में ये होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, 2023 तक के जो अपकमिंग स्पोर्ट्स वेन्यूज हैं उसकी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी है, देख लीजिए आप लोग, ये पूरी इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में काम आ सकता है सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है, देख लीजिए। तो आगे बढ़ते हुए आपको हम सारी इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं, ठीक, पूरे डीप में इंफॉर्मेशन है। आइए एमसीक्यूज की बात करते हैं फटाफट। चलिए तो अब आपको यहां पर क्वेश्चन पहला पूछा गया है जो यहां पर सामने आपके है, देखिए, वेयर वॉज द थर्ड द्विजिंग फेस्टिवल इनॉग्रेटेड ऑन 27 दिसंबर 2018, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आपको इसका आंसर देना, जल्दी से आ जाइए वापस। सलमा पूछ रही है पीडीएफ कहां से मिलेगा, तो बस हमारा वीडियो जैसे ही कंप्लीट होगा हमारे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक होगी, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए और आंसर दीजिए जल्दी से फटाफट, क्या इसका आंसर होगा, और इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है आसाम, ये हम लोग दो बार बात कर चुके हैं इसके, ठीक है, तो आसाम इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन, नवंबर 2018 में पार्टिसिपेटरी नोट्स के जरिए भारतीय पूंजी बाजार में निवेश बढ़ के कितना हो गया, इन्वेस्टमेंट इन द इंडियन कैपिटल मार्केट थ्रू पार्टिसिपेटरी नोट्स इंक्रीज टू रुपीज हाउ मच करोड़ इन नवंबर, और आपको इसका आंसर पता है, इसका आंसर क्या होगा, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 79247 करोड़, 79247 करोड़ राइट आंसर जो आप यहां पे देख पा रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आ रहा है, देखिए
वेयर वॉज द 26th नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस इनॉग्रेटेड ऑन 27 दिसंबर. तो आपसे पूछा जा रहा है कि 26वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था, कल की न्यूज है. और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ओडिशा. ओडिशा इज राइट आंसर. गाइज कल संडे है, कल आपसे नहीं मिलेंगे, आपसे मंडे को मिलेंगे. जो बच्चे शो देख रहे हैं तो मंडे को आप जरूर आइए बेटा, मंडे को हम कुछ और क्वेश्चन के साथ आपसे मिलेंगे जो नए क्वेश्चन ऑफकोर्स होंगे और आपको ये पता है. तो देखिए दिखते रहिए सारी चीजें, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं. डॉक्टर हमीदी कश्मीरी हैज पास्ड अवे ऑन 26 दिसंबर, ही वाज अ. और आज शाम को 5 बजे भूलिएगा नहीं, हम एमओयूज के सेकंड पार्ट की बात करने वाले हैं. आप एमओयूज में इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे हो, आप कल ऑबिट्री में भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे. मैं आपको बता दे रहा हूं बेटा, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो कंफ्यूजन होता है, लेकिन इंटरेस्ट थोड़ा लीजिए इसमें. क्या इसका आंसर होगा, चलिए. एंड द राइट आंसर इज राइटर. राइटर इज राइट आंसर, जो आप यहां पे देख पा रहे हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंस्टीट्यूटेड द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार इज द अवार्डेड इन एन इंस्टीट्यूशन, इट विल बी गिवन अ कैश प्राइज ऑफ रुपीज. तो भारत सरकार ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की स्थापना की है. यदि पुरस्कार प्राप्तकर्ता संस्थान है तो उसे कितने लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है. ये एक नया क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर देना. देखिए आप बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं. और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है 51 लाख. 51 लाख रुपीस कैश प्राइज मिलेगा. ये एक नया पॉइंट था जो हमने आपको यहां पे दिखा दिया, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा 6th क्वेश्चन. तो सेंट्रल रेलवे के नागपुर डिवीजन ने उस्ताद नामक एक रोबोट विकसित किया है. उस्ताद में एस का मतलब क्या है, देखिए अब ये तो चीज कल मैंने आपको उस्ताद के बारे में फुल फॉर्म की बताया था कि पढ़ लीजिएगा. अब देखिए आपको ये पता है कि नहीं पता, आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा. मेरा बड़ा विश्वास है आपके ऊपर कि मैं जो बोलता हूं वो आप कर लेते होंगे, देख लीजिए से. और क्या इसका आंसर होगा, एंड द राइट आंसर इज सर्विलियंस. तो उस्ताद की बात करें तो एस का मतलब क्या है, सर्विलियंस है. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. Who was conferred with the Champions of Change Award by Vice President M. Venkaiah Naidu on 26 December? और इसका आंसर आपको पता होगा, मैंने अभी आपको रिवाइज करवाया था. और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, N. Viren Singh. N. Viren Singh is right answer, guys. आगे बढ़ते हैं. और ट्रेन 18 का पहला परीक्षण बरेली से किस रेलवे खंड पर किया गया. द फर्स्ट ट्रायल रन ऑफ ट्रेन 18 वॉज कंडक्टेड ऑन बरेली टू विच रेलवे स्टेशन, ये आपको बताना है. क्या इसका आंसर होगा, और अगर आपको हमारा करंट अफेयर्स पसंद आ रहा है, इसकी नॉलेज पसंद आ रही है, तो प्लीज हमारे शो को लाइक दोस्तों जरूर कर दे, ठीक. क्या इसका आंसर होगा, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, मुरादाबाद. बरेली मुरादाबाद कल मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हुए 9th क्वेश्चन की बात करेंगे. द डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ विच कंट्री हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड द फाइनल टेस्ट ऑफ द अवानगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम ऑन 26 दिसंबर. तो ये हम कल की बात कर रहे हैं और आपको मैंने इसके बारे में पढ़ाया भी था. इसका आंसर क्या होगा, एंड द राइट आंसर इज, शिवम बोल रहे हैं थोड़ा हिंदी का प्रयोग किया करिए. बिल्कुल, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी हमें और हम हिंदुस्तानी हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हाँ. और इसका आंसर क्या होगा, रशिया. रशिया इज राइट आंसर, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. तो 26 दिसंबर को एकीकृत रक्षा स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला. Who has taken over as the Deputy Chief of Integrated Defence Staff on 26 December? हमारे सामने 5 ऑप्शन है, सही आंसर हमें चूज करना है. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, एयर मार्शल राजीव सचदेवा. एयर मार्शल राजीव सचदेवा इज राइट आंसर, कल हमने पढ़ा था. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन. भारतीय रिजर्व बैंक ने 2018 को सर्वे ऑन रिटेल पेमेंट हैबिट्स ऑफ इंडिविजुअल्स SRPHI लॉन्च किया, जिसमें विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से कितने व्यक्तियों का सैंपल शामिल किया जाएगा. तो सर्वे शामिल किया जाएगा, ये क्वेश्चन है. द RBI लॉन्च अ सर्वे ऑन रिटेल पेमेंट हैबिट ऑफ द इंडिविजुअल ऑन 26 दिसंबर, विच विल कवर अ सैंपल ऑफ हाउ मेनी इंडिविजुअल्स. और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर मैंने आपको पढ़ाया था, इसका आंसर होगा, बस तुरंत आपके सामने आंसर यहां पर आ रहे हैं. And the right answer is 6,000 people. 6,000 people is right answer. ठीक है, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने 12th क्वेश्चन की बात करेंगे. तो 1 से 15 नवंबर तक आयोजित स्वच्छता पखवाड़ा के भाग के रूप में DIPP ने एक स्वच्छ भारत ग्रैंड चैलेंज का आयोजन किया. ग्रैंड चैलेंज के लिए कितने क्षेत्रों का चयन किया गया, ये भी एक नया क्वेश्चन है आपके लिए. एज पार्ट ऑफ द स्वच्छ पखवाड़ा हेल्ड फ्रॉम 1 to 15 नवंबर, DIPP ऑर्गेनाइज अ स्वच्छ भारत ग्रैंड चैलेंज. हाउ मेनी एरियाज वे आर सेलेक्टेड फॉर द ग्रैंड चैलेंज. वी हैव 5 ऑप्शन एंड यू विल have to choose right one. क्या इसका सही आंसर होने वाला है, चलिए क्या इसका आंसर होगा, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 4. तो 4 नए सेक्टर्स को चूज किया गया, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे. हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहां पर 13 क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग वाज फॉर्मली इंडक्टेड इनटू द ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम. तो
किसको औपचारिक रूप से आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और कल की न्यूज है, मैं आपको बता चुका हूं उसका आंसर क्या होने वाला है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू, रिकी पॉन्टिंग। रिकी पॉन्टिंग होना चाहिए इसका आंसर। जी हाँ, रिकी पॉन्टिंग सही आंसर हमारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा 14 क्वेश्चन। तो 27 दिसंबर को निम्नलिखित में से किसने महत्वाकांक्षी जिला परियोजना की दूसरी डेल्टा रैंकिंग जारी की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिलीज द सेकेंड डेल्टा रैंकिंग ऑफ द एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑन दिसंबर 27। और कल की ये बात हम कर चुके हैं, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा नीति आयोग। जी हाँ, तो नीति आयोग सही आंसर है, राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। तो विद द क्रिएशन ऑफ द न्यू हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश द कंट्री विल हैव हाउ मैनी हाई कोर्ट्स। तो आंध्र प्रदेश के नए उच्च न्यायालय जो अमरावती में बनेंगे, उसके निर्माण के साथ देश में कितने उच्च न्यायालय हो जाएंगे। तो आपको पता है इसका आंसर 25 इसका आंसर होगा। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 क्वेश्चन। 25 दिसंबर को नेपाल ने अपने नागरिकों द्वारा भारत में भारतीय मुद्रा खर्च करने पर कितने अमाउंट तक की मासिक सीमा लागू की। ऑन 25 दिसंबर नेपाल इम्पोज्ड अ मंथली लिमिट ऑफ रुपीज हाउ मच ऑन द अमाउंट ऑफ इंडियन करेंसीज इट्स सिटीजन कैन स्पेंड इन इंडिया। वी हैव 5 ऑप्शन और आपको सही आंसर चूज करना है। कल की न्यूज है और सही इसका आंसर क्या है, 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज इज राइट आंसर गाइज, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 17 क्वेश्चन। तो हु हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन टू कंप्लीट अ सोलो ट्रैक अक्रॉस अंटार्क्टिका विदाउट द असिस्टेंस ऑफ एनी काइंड। अंटार्कटिका में किसी भी प्रकार की सहायता के बिना सोलो ट्रैक पूरा करने वाला पहला व्यक्ति कौन बन गया है। यह भी नई न्यूज है आपके लिए और इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, कॉलिन ओब्रैडी। कॉलिन ओब्रैडी इज राइट आंसर, जो आप यहां पर देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार के परामर्श से केंद्रीय बैंक के आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे। आरबीआई इन कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप अ 6-member कमेटी टू रिव्यू द इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ऑफ द सेंट्रल बैंक। हु विल बी द चेयरमैन ऑफ द कमेटी। आपको इसका आंसर पता है, इसका आंसर क्या होगा, विमल जलान। विमल जलान इज राइट आंसर, जो आप यहां पे देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19 क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना है, आपको रिवाइज करने के लिए यहां पे दिया गया है। वेरी रिसेंटली सिलाव खाजा गॉट द जीआई टैग, इट इज द ट्रेडिशनल स्वीट ऑफ द विच स्टेट। ये मैंने आपको पढ़ाया, ये आपको पता ही होगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बिहार, नालंदा। ठीक, चलिए। एंड आवर लास्ट क्वेश्चन, द इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम हैज बीन डेवलप्ड बाई विच मिनिस्ट्री। एकीकृत सरकार ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है, ये भी आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। चलिए तो गाइज, यहाँ पर हमारा ये करंट अफेयर शो कंप्लीट होता है। कैसा लगा हमारा शो प्लीज़ हमें बताएं और अपने रिकमेंडेशंस ज़रूर हमें दें, और साथ ही साथ आपके सजेशंस को हम फॉलो करते हैं, हम कोशिश करते हैं। याद है ना स्टार्टिंग की, जो मैंने आपसे बोला था आज कि हम बहुत मेहनत करने वाले हैं आगे चल के, ठीक है। और हमेशा अपना ख्याल रखिए, हर वो चीज़ जो आपको आपके गोल से दूर करती है उसे छोड़िए, वो अभी आपके लिए विष के समान है। अभी अभी केवल एक कर्तव्य आपका है, पढ़ाई। तो पढ़ाई करिए, आपके साथ जो एक्सपेक्टेशंस लगे हैं फैमिली के लोगों के, उसे कंप्लीट करिए, यही आपका काम होना चाहिए, ठीक है। खूब पढ़िए, आगे बढ़िए, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करिए। हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करिए और एक प्रण लीजिए कि मतलब यस आई कैन आई विल आई मस्ट, और जिद है तो जिद है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं शाम को 5 बजे हमारे एमओयूज के पार्ट 2 के साथ, जहां पर फिर से हम एमसीक्यूज की बात करेंगे। और हमारे शो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, और अपना ख्याल रखिएगा, सबका दिन मंगलमय हो।